करण जौहर अपनी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के प्रॉफिट का 80% शहीदों के परिवारों के साथ शेयर करते हैं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फिल्म को रिलीज होने देगी। ये कहना है मनसे कार्यकर्ता प्रशांत पवार का। करण जौहर का जो पिक्चर आने वाला है 28 तारीख को, ये दिल है मुश्किल, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। माननीय राज साहब ठाकरे जी ने पहले ही बताया था कि जो पाकिस्तान के कलाकार जो सिनेमा में है वो कलाकार हमको यहाँ चलेंगे नहीं और वो पिक्चर यहाँ पे हम प्रदर्शित होने देंगे नहीं, इसलिए हमारा उसको विरोध है। क्योंकि आज हमारे भारत देश के जवान इस बॉर्डर पे, जिनका ये दहशतवादियों ने, पाकिस्तानी सेना ने उनका जो कत्ल किया और जो शहीद हुए भारत के लिए, उनके खून की कसम करके हम लोग उनका कोई भी हालत में यहाँ पे सिनेमा प्रदर्शित नहीं होने देंगे। रही बात करण जौहर की, तो करण जौहर को बहुत दिनों बाद मेरे ख्याल से नींद खुली कि जब उसका सिनेमा प्रदर्शित होने का समय आया तब उसको ये पता चला कि मेरे को देश की माफी मांगना चाहिए, तो उसने देश की माफी मांगी। करण जौहर को इतने ही देश की माफी मांगना है तो जो ये रेवेन्यू आएगा ये सिनेमा से, वो 80% माननीय राज साहब ठाकरे जी से बात करके वो शहीदों के परिवार को अगर अपना मुनाफा देता है तो शायद मेरे ख्याल से माननीय राज साहब ठाकरे ये शायद ये पिक्चर को चलने भी दे, ये आखिर उनका माननीय राज साहब का डिसीजन रहेगा। आपको बता दें कि करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल 28 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान एक अहम रोल में है, जिसको लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महाराष्ट्र में फिल्म को रिलीज न होने देने की धमकी दी है। अब सवाल ये है कि फिल्म के रिलीज के लिए क्या करण राज ठाकरे की शर्त को मानेंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।